आईपीएल 2024 का मैच नंबर 56 मंगलवार 7 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा, जहां दिल्ली ने इस सीजन में अब तक अपने 11 मैचों में से मात्र 5 में जीत हासिल की है। वहीं राजस्थान ने अब तक खेले गए 10 मैचों में से 8 में जीत दर्ज की है। राजस्थान का प्लेऑफ का टिकट लगभग तय नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली के लिहाज से यह मैच उनके लिए बेहद अहम है। आइए आईपीएल 2024 के इस 56th मैच से जुड़ी कुछ अहम बातों को जान लेते हैं, जैसे पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आइए अब सबसे पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को जान लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलती है। इस मैदान में हाल के मैचों में गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों का दबदबा रहा है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को बड़ा स्कोर खड़ा करने में संघर्ष करना पड़ा है। सेकेंड इनिंग में यहाँ गेंद रुक कर आती है, यही कारण है कि यहाँ दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगी। ये तो हो गई पिच की बात। अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके लिए एक बार फिर पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर बतौर ओपनर आपको दिखेंगे। मिडिल ऑर्डर में एक बार फिर ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे स्टार्स को एक्शन में देखा जा सकता है। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल जैसे दमदार खिलाड़ी एक बार फिर ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे। अंत में इस फ्रेंचाइजी के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव और खलील अहमद जैसे गेंदबाजों पर होगी। अब राजस्थान की पूरी लाइनअप पर नजर डाल लेते हैं। आरआर एक बार फिर ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को आजमाता हुआ दिख सकता है। टीम की मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों पर होगी। वहीं ऑलराउंडर्स के तौर पर आप रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन को एक बार फिर एक्शन में देख सकते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो उनके लिए एक बार फिर संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और यजुवेंद्र चहल को एक्शन में देखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम क्या हो सकती है, यानी आप किन 11 खिलाड़ियों को चुनकर एक बेस्ट ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत, संजू सैमसन और जॉस बटलर को आजमा सकते हैं। आगे बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर को रखा जा सकता है। जाहिर है ये तीनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाने के साथ साथ पारी को संभालने के लिए भी जाने जाते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर आप अक्षर पटेल और रियान पराग को अपनी फैंटेसी टीम में आजमा सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी के विकल्प के लिए आप यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा को रख सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के पहले बेस्ट विकल्प क्रमशः यशस्वी जायसवाल और जैक फ्रेजर हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेकेंड चॉइस क्रमशः संजू सैमसन और अक्षर पटेल हैं। तो ये थी दिल्ली बनाम राजस्थान मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।